विचार कर रहे थे, जहां तक छोड़ा था उससे पहले पत्नी याद हो, हमने अभी तक जो इतना पढ़ाया है उससे पूछा कुछ नहीं आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन पटक कर ले। यस सर। जहाँ से पढ़ रहे थे, जहाँ से चल रहे थे वहीं से बताएंगे, आपसे जीरो आवर पर हमने छोड़ा था पास चला दो वहीं से बताएंगे, एक आधा क्वेश्चन पटक कर ले। वो सोचते थे कुछ पूछेंगे, ये पढ़ाते रहते थे कुछ नहीं बात करें। भारत कब आया? मिशन भारत कब आया? ये बता दे, डेट को जाना चाहिए। 23 मार्च 1946। रिपोर्ट का प्रस्तुत की कब? 23 मार्च 1946। रहता हूँ पाकिस्तान जो शब्द का निर्माण किया था, जो अहमद अली इस आलेख में किया था, एक आलेख था उसने किया था। पाकिस्तान जो शब्द है वो किस आलेख में किया था? चौधरी अहमद अली ने 1933 में। Now and never, are we to live? Now and never, are we to live? बोलो जी हाँ। बाद में कहेंगे। अच्छा ये बताओ, जब कांग्रेस की भारत में सरकार गठित हुई, ऐसा कौन सा प्रांत था जिसे लगभग वोट प्राप्त हुआ था? कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? सरकार कितने चली थी? 28 बार। कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने स्टेट को अपना आजाद किया था। 28 अक्टूबर 1947। से खुश होकर के मुस्लिम लीग ने किस दिन को मुक्ति दिवस बनाया था? 22 दिसंबर 1947। मुक्ति दिवस बनाया था किसने? मुस्लिम लीग ने बनाया था, ये याद रखेंगे। अच्छा था, 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में चुनाव हुए, अलग अलग प्रांतों में नई नई दल गठित हो गए। बंगाल में निर्मला था, इसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। तो किसे गठित किया था? हजुर। अच्छा पंजाब में कौन सी पार्टी बनी थी? बिल्कुल सही बात, यूनिस्ट पार्टी। अवसर सर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सी पार्टी बनाई थी? कौन सी? इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी या इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाई थी। कम्युनल अवार्ड रामलाइन पंचायत लाड लाल बोले कब? कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत है ना, 16 अगस्त 1932। इसके संदर्भ में फिर उसके गांधी नारा हो गए थे, बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से समझौता किया था पुनः फैक्ट। वो कब किया था? 26 सितंबर 1932। पुनः फैक्ट के मुख्य बात क्या थी? सबसे अली बात है रक्ष सीटों की संख्या प्रांत विधानसभा में 47 से 171 और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीटें थी 18% आती है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के भी पूना पेंट हुआ था। अच्छा ये मतलब पूना पेंट कराने में किस किसका योगदान रहा? पूरा जो पैक्ट हुआ था किसी लोगों ने बीजेपी का कर दिया था,
मदन मोहन मालवीय, राजू प्रसाद, सुशोधन दास चंदन और चक्रवर्ती राजू मलाचारी, इन लोगों के प्रयासों से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ। अच्छा था सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व उसी दौरान किस घटना से मैंने समय सविनय अवज्ञा हमने शुरू किया था? दांडी मार्च, दांडी मार्च किया था। दांडी मार्च करके ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया था। तो दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930। यात्रा कहाँ से कहाँ तक की थी बताइए, पता है? तो दांडी मार्च किया था, कहाँ से कहाँ तक किया था बताओ? साबरमती आश्रम से दांडी तक। दांडी कहाँ है था? दांडी कहाँ है? गुजरात में है, नौसारी जिले, गुजरात के नौसारी। बोले कितनी दूरी तय की थी उन्होंने? 241 मील, यानी 380 किलोमीटर के अलावा। कितने सहयोगियों के साथ की थी? 58 सहयोगियों के साथ 241 मील की पदयात्रा की थी। रास्ता माना कर अब आयाते में भारत भगवान थोड़ी सी चीज से रिवाज करते रहकर और करेंगे। अब पूछेंगे के लिए भारत भगवान ने बताया था 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में क्या हुई थी? मीटिंग हुई थी, कांग्रेस का भी हुआ था सम्मेलन, ठीक है। और 7 और 8 अगस्त को महात्मा गांधी बोले थे लव 70 नट भाषण दिया था, वहीं पर उन्होंने डू और डाई करवा करो का नारा दिया था भारत की और भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश करते समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारू तलवार से खेलने जा रहे हैं, इसकी चोट उठती हमारे ऊपर भी पड़ सकती है, ठीक है। और 8 अगस्त को जैसे ही सम्मेलन पूरा हुआ 8 अगस्त की रात को ही सरकार ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत किया था कांग्रेस के जितने बड़े बड़े लीडर्स थे सभी को रात में ही उठा लिया, महात्मा गांधी को रात में उठा लिया, ले जाकर के खा लेंगे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सबको उठा करके कागज कर दिया उन्होंने। रात भी ले गए अध्यक्ष है लेकिन बाद बार ले गए गांधी जी दिया था महात्मा गांधी ने
बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से, जिसे आपने क्या गाया था अगस्त क्रांति मैदान से आज आम का सिस्टम कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया ये बड़े लीडर अगर फील्ड रहे तो बहुत ज़्यादा बमार हो जाएगा, इसी बड़े बड़े लीडर्स को अरेस्ट करके अज्ञात स्थानों में यहाँ बताओ। आगे आगे तो ये बात शुरुआत हो रही है, अब तो शुरुआत हो रहा है, लास्ट वाले प्रश्न पूछ दिया जाए, लास्ट वाला प्रश्न पूछ दिया ना ये आपने लास्ट पूछा थी, अभी तो शुरुआत हो रहा है। गांधी वर्ष करके भेजा काम भेजा है सुना के आगे आगे तो गांधी पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। बट गांधी जी के उसमें गुना के आगे कस्तूरबा गांधी को भी और भेज रहे थे यहाँ से सामने आ रहे बड़े बड़े लीडर्स को रेस्टोरेंट को अपना संकट दिया है।
अब आंदोलन पर चला है। 8 अगस्त को गांधी कह गए थे सबके लिए तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें करना है, मतलब कहा था गांधी ने क्या क्या कहा था किसके लिए, किसानों के लिए क्या कहा था, किसानों के लिए, किसानों के लिए कहा था अगर जमींदार उनका साथ न दे तो उनका बहिष्कार करते हैं। छात्रों से क्या कहा था, छात्रों से कहा था यह स्वतंत्रता के अंतिम सहायता जटे हो तभी पढ़ाई छोड़े। सरकारी कर्मचारी से क्या कहा था, आप अपना नौकरी छोड़े केवल अपनी निष्ठा बदलते हैं, ये निष्ठा को कांग्रेस के प्रति करते ना कि ब्रिटिश सरकार के, ठीक है। और किसी ने दिए थे सैन को लिए कहा, क्या कहा था सैन को लिए भी कहा था, सैन सैनिक जो थे ब्रिटिश आर्मी के उनसे कहा आप अपने लोगों पर गोली न चलाएं, थैंक यू। ब्रिटिश आर्मी को उसे इंडियंस जो भी तो थे छात्रों से देखा आप पढ़ाई जब तक छोड़े, अगर पहले पढ़ाई नहीं छोड़े और पढ़ाई छोड़ते तो स्वतंत्रता के अंतिम समय तक डटे रहे तभी पढ़ाई छोड़े, यानी आप उनसे दम हो गए जब तक आज देश आज़ाद होता है तब तक हम बने रहेंगे फिर डेढ़ पाटन तभी पढ़ाई छोड़े, ऐसा ना होगा पढ़ाई छोड़ दे और अभी देश आज़ाद नहीं हो पाए, तो जब तक आप डटे रहे तभी जो पढ़ाई छोड़े। आर्मी के लिए कहा गया कि अपने लोगों पर गोली न चलाएं, क्या कहा गया अपने लोगों पर गोली चलाएं, फिर छात्रों से कहा बलिदान की तैयार है पढ़ाई कभी छोड़े जवाब डटे थे। अब देखो ये बड़े बड़े लीडर्स जो थे पहली ऊपर छिड़के जो थे वो सारे कहाँ बंद कर दिए जेल में, गांधी 8 अगस्त के निर्देश दे चुके थे, पट्टा सीतारमैया ने कहा था कि उसने गांधी जी जैसे किसी पैगम्बर या किसी अवतार की प्रेर शक्ति से प्रेरित होकर के बोले थे। 9 अगस्त रात में ही ऑप्शन 0 आवर करने के तहत सब लोग अरेस्ट करने के, अब 9 अगस्त जैसे सुबह हुई अब क्या हो देखा ऊपर सीढ़ी की नेता थे अब उससे नीचे के जो सेकंड लाइन के नेता थे कौन कौन, अरोड़ा आसमानी ऊषा मेहता राम मनोहर लोहिया जैसे लोग जो नीचे सीढ़ी में आते थे, उन्होंने क्या हुआ आंदोलन शुरू किया जगह जगह बच्चे सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया, वोट वोट शुरू हो गई तो लेकिन दूसरी सीढ़ी के नेता कौन कौन से थे नाम है राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर जी के नेतृत्व हुआ है अरोड़ा आसम अली, ये सभी नाम है ना अरोड़ा आसम अली, उषा मेहता, नरसिंह गोय, अरोड़ा आसम अली, उषा मेहता जी सीढ़ी नेता थे उनके नेतृत्व में आदोश हो गया है। अच्युत पटवर्धन, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण
हजारीबाग सेंट्रल जेल से, हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो गए, हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार हो गए।